बहुत थक गया प्यार से। उसमें कुछ चीज़ें इलाका के तरफ से होती हैं, कुछ चीज़ें जनरल होती हैं, हर जगह पे अवेलेबल। ये खल मकई है, मकई की खल रफान मिल रहा है यहाँ फैसलाबाद में, कराची में, वो ये उनकी प्रोडक्ट है। और वो कहते हैं कि ये खल बनौला जो है ना उसके मुकाबले में ये, लेकिन इसका ये होता है कि इससे दूध का टेस्ट ख़राब हो जाता है। जो खल बनौला है ना ये खल बनौला, ये कॉटन सीड के ये देखा है, ये खल बनौला जो है ना इसके नेमल बदल के तौर पे ये खाई। यस सर। और ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा दूध देगी, ये वाली ज़्यादा दूध देगी। और इसका ये दूध का टेस्ट अच्छा नहीं रहता, इससे टेस्ट बहुत है, टेस्ट सबसे अच्छा होता है। हम कहते हैं कि साइंस के हिसाब से अगर हम ये खिलाते रहें तो एक तो उसके अंदर कुछ कैल्शियम, कुछ फास्फोरस या कुछ एनर्जी डेफिशिएंट हो जाती है, कम हो जाती है, तो जानवर हेल्दी नहीं रहता। जानवर के अंदर का सिस्टम जो साइकिल होता है ना उसका, आगे बच्चा पैदा करने का, वो ख़राब हो जाता है। अगर आपने मतवाजन बंडा दिया उसको, फिर ये यारी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जानवर सेहतमंद भी रहेगा, दूध भी देगा, बच्चा भी टाइम से बेचा। तो ये दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन इसको जानवर पसंद करते हैं, इसको बार दफ़ा नहीं भी खाते हैं। इसकी क्वालिटी ऊपर नीचे होती है, इसकी क्वालिटी एक ही है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए ये जगह जगह मिलने लगी। यस सर, इंटरनेशनल से। मकई, यस मेज, ये हर जगह पे होती है। यस सर, गंदम होती है। यस सर, चावल टोटा होते हैं। यस सर, इनमें से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। सबसे अच्छी मकई, यस सर, चावल और गंदम से, गंदम से भी। तो आप इसको वंडे का हिस्सा बनाएं, 15-20%, 100 किलो वंडा बना रहे हैं तो उसमें 20% ये था। वीट ब्रांड चोकर छान बोला सर, ये भी देखो गंदम का, ठीक है सर, ये भी देखा, ये देखा होगा। जो जानवर कुछ नहीं खाता वो ये खाएगा, इसको पसंद करेगा। यस सर, हर किस्म का जानवर, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सब जानवर इसको पसंद करें। यस सर, ये गंदम का छान बुरा है, इसमें 12% प्रोटीन होती है। और जितने भी ये मीग्रेन होते हैं ये एनर्जी सोर्स होते हैं, तवानाई देते हैं, और जितने भी मील होते हैं वो प्रोटीन देते हैं। कैनोला मील, ये सरसों की फैमिली होती है कैनोला, हम खाते भी हैं, कैनोला ऑयल खाते हैं, पाम ऑयल खाते हैं। yes. तो कैनोला जो होता है सरसों राई की तरह होता है, लेकिन इसका कलर जो होता है ना ये ग्रीन होता है। yes. सरसों ब्लैक होता है, उसकी खल भी ब्लैक कलर की। yes. ये ग्रीन होगा, ये कड़वा कम होगा, वो कड़वा ज़्यादा होता है, इसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है, उसमें ऑयल कम, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको कम करते हैं। मेज ग्लूटेन फ्री 30%, ये भी रिफाइंड प्रोडक्ट है, मकई से बनता है। एक मील होता है, एक फीड होता है, एक केक होता है। केक जो होता है एक्सपेलर समझते हैं आप, कोलू मशीन, कोई भी जो इसको ग्रेन्स को, दानों को आयल अलहदा कर उसमें से गुजारें दाने को, तो आयल जो मैक्सिमम निकल जाएगा ना, बाकी खल हो। यस सर, जो मील बनेगा ना वो पहले उसको नमी दे के उसका छिलका उतारना पड़ेगा, बाकी को खल बनाना होगा। मील हो, उसका प्रोटीन लेवल बहुत हाई होगा, मील का हाई होगा। सनफ्लावर मील, सूरजमुखी, इसमें 30% प्रोटीन होती है, इसके रेशे बहुत ज़्यादा, फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कम इस्तेमाल किया। यस, ये भी रिफाइंड प्रोडक्ट है, मेज ग्लूटेन 60% है, इसकी 60% प्रोटीन है। तरीके से बनती है, बहुत महंगा है, मकई के एम्ब्रियो से बनता है, जहाँ से पौधा जन्म लेता है उस हिस्से से बनता है।
राइस पॉलिश, चावल का पाउडर, एक चावल का फक होता है, राइस हस्क बोलते हैं इसको, वो नहीं डालना, उसमें कुछ नहीं होता। ये राइस पॉलिश है, जब आप उसका शैलर पे जाते हैं तो चावल अलहदा होता है, छिलका अलहदा होता है। yes, तो चावल जो होता है वो लाइट रेड कलर का होता है, वाइट नहीं होता। yes. फिर उसको पॉलिश करते हैं, उसकी वो पॉलिश उतारते हैं। yes, तो फिर वाइट निकलता है। yes. तो वो जो उतरती है ना पॉलिश चावल के ऊपर से, इसमें तेल 14% होता है, तो उसको आइडियल पॉलिश। डी सी पी डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस को सपोर्ट करता है, ये हड्डियों से बनता है, हड्डियों से बनता है और चूना होता है इसमें। हड्डियाँ हराम हलाल का कोई कंसेप्ट नहीं, सभी इसमें आते हैं। ये हड्डियों को सपोर्ट करेगा कैल्शियम। वो इंग्लिश टूथपेस्ट में रीमा कहती है, इसमें बहुत महंगा डीसीपी डाला हुआ, वो 1 ग्राम डाला होगा, ये 80 रुपये। सर ये दूध देने के लिए या कैल्शियम? ये कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के वनडे में डालते हैं, वनडे में डालते हैं, 1% डालते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये इसकी हड्डियों से जो बनी होती है जलाटीन निकलती है ना, पहले हड्डियों को उबाला जाता है, उसकी जलाटीन अलग-अलग की जाती है, फिर हड्डियों का कैल्शियम। तो जो जिस किस्म की भी हड्डी होगी, हलाल हराम गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला जिसकी, हम उसके प्रोडक्ट्स हम उसकी खाते हैं, जेली की शक्ल, कस्टर्ड की शक्ल, नूडल्स की शक्ल, मैक्रोनी की शक्ल, वो सब को ये चीज़ें। तो डी सी पी ये कैल्शियम और फॉस्फोरस, कॉमन साल्ट, नमक, खुर्दी नमक, ये जानवरों को टेस्ट बेहतर करेगा, जानवर इससे ज़्यादा चारा खाए, उसका निज़ाम हज़ाम को बेहतर करेगा, इसलिए नमक। ये पत्थर ही है मगर सालूबल, इन सालूबल का क्या होता है, सालूबल पत्थर जो हल पजीर होता है, इन सालूबल जो ना हल पजीर, जो पत्थर होगा वो हजम नहीं होगा, वो ख़राब होगा। तो सालूबल, यूरिया, यूरिया 46% एन, सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, 46% एन खाद है, यूरिया खाद, डीएपी नहीं, यूरिया। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर कह रहे हैं, आटे में मैदे में डालेंगे, बेकरी में सारे यही रहता है। तो ये जून जुलाई में फीड में 1% डाला जाता है। जानवर के मैदे में जब गर्मी हो जाती है तो जानवर कम खाता है, उससे दूध भी कम देगा, उसकी सेहत भी गिरेगी। जब आप 1% सोडा देंगे तो उसका स्टोमिक ठंडा रहेगा, मैदा ठंडा रहेगा, बेहतर खाएगा, बेहतर प्रोडक्शन। इसको फीड में 1% डाल, तो इस तरह इसका जो पहला सेक्टर है न्यूट्रिशन का, इन्वेंट्री है, तो आपने परचेजिंग करनी किस तरह से, आप मंडी चले गए हैं, ये तो नहीं आप बैठ गए हैं कि ये चीज़ दे दो ये चीज़ दो, आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ वो है या नहीं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो आपको इसकी पहचान हो कि ये क्या चीज़ है। आप यहाँ पर देखें, इसका कलर देखें, इसकी स्मेल देखें, इसका टेक्चर देखें, किस शक्ल का होता है, क्रिस्टल में है, ग्रेन में है, पाउडर में है। इसके साथ साथ एक आयल पड़ा, क्रूड आयल, अगर आपके पास तवानाई कम है, सारे इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं पूरी नहीं हो रही, बहुत महंगा ही पड़ रहा है, तो ये इसको इस्तेमाल करें, सारी तवानाई पूरी कर दें।
एक किलो में 88,000 किलो कैलोरी पर के जी इसकी एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी 100% से भी आगे की है। एक ये है शीरा, गन्ने का शीरा मोलासेस, इसकी हम कहते हैं जब ख़रीदना है तो इसकी ब्रिक्स वैल्यू 75 से अबव होनी चाहिए, 76% 78% तक होनी चाहिए। अगर इसमें 78% आपकी ब्रिक्स वैल्यू शुगर कंटेंट इसकी मिठास इतनी है तो फिर इसमें पानी ना डले, छत के नीचे हो या कवर्ड हो, तो क्यामत तक ये ख़राब नहीं होता इसकी ये। अगर इसमें पानी ज़्यादा होगा तो ये ख़राब हो जाएगा, स्मेल भी बुरी आएगी। अगर इस तरह का होगा तो फिर ख़राब होगा। और इसमें कार्बोहाइड्रेट सारे होते हैं, एनर्जी देता है, और जो चीज़ इसमें गिर जाएगी वो भी महफूज हो जाएगी, जब तक वो डूबी रहेगी गले सड़ेगी नहीं, प्रिजर्वेटिव। अचार आप डालते हैं तो तेल की खूबी ये होती है, उसमें अचार जो होता है ना, जो भी थोड़ा सा ऊपर निकला होगा, औरतें उसको हर चौथे दिन उसको हिलाती हैं तो वो नीचे चले जाए और नीचे वाला ऊपर आ जाए, तेल में जो डूबा रहेगा उसको फंगस नहीं लगेगी, उल्ली नहीं लगेगी, जो तेल के अंदर डूबा रहेगा सही रहेगा, जो ऊपर निकलेगा अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा वो ख़राब हो जाएगा ऊपर वाला। तो तेल में ये खूबी होती है, इसी तरह शीरे में भी ये खूबी है। अगर उसमें चिड़िया या कीड़ा मकोड़ा गिर गया 10 साल बाद भी निकालेंगे वैसे निकलेगा, सड़ेगा नहीं गलेगा नहीं, तेल ने उसको कवर कर लिया, किसी तरफ से हवा नहीं लगने की। इसी तरह शीरे में भी जो चीज़ गिर जाती है बिल्कुल मैं खुदा, इसमें ये खूबी है इसकी थिकनेस में, इसके काढ़ेपन में भी।